अगर नाना पाटकर जी कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच जाए, और इसी एरिया की कोई सिंपल महिला है जिसे बुला के कौन बनेगा करोड़पति में पूछेंगे। इधर आ लालची औरत, इधर आ, चल बैठ, देख कितनी आंखों में तेरा लालच भरा है। एक पति को संभाल नहीं सकती, चलिए एक करोड़पति बनने। चल बताए मेरी उम्र कितनी है, 40 साल, 45 साल, 50 साल या 55 साल। महिला बोली कि मैं फोन ऑफ फ्रेंड लेना चाहूंगी। चल ले ले, क्या बना के रखा मजाक, चलिए एक करोड़पति बनने, कुछ नहीं जानती, लगे भीख मांगे, इससे मांगो उससे मांगो, क्या है ये, चल बता मेरी उम्र कितनी है। महिला बोली 40 साल। ये तेरे को कैसे पता, एक मेरा भाई है जो आधा पागल है, वो 20 साल का है, आप पूरे पागल से ले 40 साल। इसके बाद नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम समर सिंह और हमारे भाई संजीव चौरसिया, इनका ऑफिशियल चैनल है संजीव चौरसिया यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इनका सारा अपडेट आपके पास पहुंचे और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। इतनी सी बात हवाई को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जो हिफाजत की उन शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में जगाए रखना। जय हिंद। दोस्तों, यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे साथीगण माताएं बहनें जितनी भी हैं, और यहाँ के मुख्य अतिथि हमारे माननीय अध्यक्ष विष्णु चौरसिया जी, और भी साथीगण और सर भी हमारे हैं, आप सभी को मेरे तरफ से सुभाष चंद्र बोस जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम संजीव चौरसिया, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान हूं, और मैं मिमिक्री करूंगा आप लोग के सामने, अच्छा लगेगा। उतने दूर से बस आप लोग को हंसाने के लिए आया हूं, चेहरे पर आप लोग के लिए मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा। अगर हंसी आए तो खुल के हंसिएगा और जोरदार तालियों से स्वागत करेगा, तो जोरदार अपने स्वयं के लेकर जोरदार तालियों से स्वागत करेगा। एक बार पिछले बार आपने अगर सुना होगा पिछले चुनाव में कि लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया था, तो जो लालू जी ने मीडिया को जवाब दिया था, ये सब नरेंद्र मोदी का हाथ है, ये जो पंखा है वो अमित शाह बंधवाया है, हमारे आने से पहले पंखा देख रहा था कि ललुआ कहाँ बैठा है, ऐसे जब देखा कि ललुआ बैठा तो फिर गिर गया हमारे ऊपर। गिरा कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ बस ये है कि हमारे बाह में गिरा, अगर थोड़ा सा तेज लग जाता तो फिर तुम लालू से फिर एक बार। जब ओबामा जी हमसे पूछे, मिस्टर लालू क्या तुम्हें स्विमिंग आता है, नहीं हमको तो नहीं आता है, हमारे तो कुत्ता भी स्विमिंग कर लेता है, ये बताइए आपको आता है, खोश हमको आता है, तो फिर आत्मा और कुत्ता में क्या फर्क है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग को बीच आके, और हालांकि मैं मुंबई पहली बार आया हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि पहली बार हूँ, लगता है कि हर साल आता हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को बीच। जब तक देश में रहेगा लोग तब तक बिहार में रहेगा लालू, लालू कोई छोटा मोटा चीज है, जेल में हमेशा लालू मर जाएगा। आओ मिलजुल कर सलाम करें उन्हें, आओ मिलजुल कर सलाम करें उन्हें, और जिसके हिस्से में मुकाम आता है, बड़ा खुश नसीब होता है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे मोदी जी आ जाए, मैं आप लोग के बीच सभी नेता सभी एक्टरों को लाते रहूंगा, और खूब आनंद लीजिए आप लोग। भाइयों बहनों मित्रों,
मैं आज आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी नहीं आ सकता है क्या? आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे सबके ऊपर जीएसटी आज ही लगाया हो। भाइयों बहनों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें जी। अगर इसके बाद राहुल गांधी जी आते हैं पीछे से, देखिए भैया, भैया मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। भैया बस एक बार हमारी सरकार बन जाए, भैया ऐसी ऐसी मशीनें की खोज करूंगा जब भैया एक साइड से आलू डालेंगे और दूसरे साइड से भैया सोना निकलेगा। एक साइड से डालो और दूसरे साइड से निकालो। हमारे शासन में भैया कोई भी गरीब किसान भूखा नहीं मरेगा। बस भैया एक बार सरकार बनाने दीजिए, मैं सेवा अदा करता हूँ। इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी आ जाए, जो पूर्व रक्षा मंत्री। हमें होता पर सका, हमें कहा सब पार्टी का चला गया तो फिर हम मुंबई आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में आया, एक बार हमारे ऊपर में आए, फिर देखे पूरा देश को कितना स्वभाव प्राप्त होता। इसको पकड़ के रखिए। इसके बाद अगर सुनील शेट्टी जी आ जाए और एक्टर लोग पे चलते हैं। धरती मेरी माँ है, दिल वाले पिक्चर का तो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तो जान किसी की आवाज सपना क्या सुनाई देती है। दिल वाले तो मैंने बहुत देखे, पकड़ जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिल वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। अर्जुन मैं लूंगा सपना को और मैं इस कार्यक्रम में हर साल आते रहूंगा, जब तक जान है जब तक जहान है। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी, नमस्कार दोस्तों, छजन आपके सामने देखे भाई साहब। देखे भाई साहब के आप लोग बहुत शांत बैठे हैं, लग रहा है कि आनंद नहीं आ रहा है। भाई साहब देखे अगर थोड़ा सा तालियों की स्वागत किया जाए तो फिर मजा ही कुछ अलग। देखे बहुत ही खुशी हुई मुझे मुंबई आके, हालांकि मेरा तो घर यहीं पर है, लेकिन भाई साहब इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसके बाद धर्मेंद्र, मां कसम ये धर्म जब भी आता है गर्मा गर्म ताली बजती है। मेरे महाराष्ट्र के वासी, मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूँ और मैं अकेले नहीं, मेरा बेटा सनी भी आया है। बस आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैं कसम इस धरती की, मेरे पास इतना पैसा है कि आप सबको दो दो लाख रुपए दे सकता हूँ, मगर मेरे पास इस समय मैं खाली आया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद सनी देओल इनका बेटा, और चड्डा समझाओ इसको, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं मगर जो इसे चलाने के लिए दिल चाहिए वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता, मर्द उसे लेकर पैदा होता है। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, सनी देओल आप लोगों के बीच आया है, लेकिन कोई गर्मा गर्म इस माहौल में नहीं है। एक बार जोरदार ताली सनी देओल के लिए बजाइए। सिद्दीकी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बात कसम 15 मिनट तक अपनी सास को एकदम ऐसे रोक सकता हूँ मैं, मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अरे मैं इस प्रोग्राम में आया, कसम से मेरा दिल खुश हो गया और हर साल आते रहूंगा। इसके बाद अमरीश पुरी जी, शोम शोम शाबो शाबो शाशा। अरे भाई डॉन का भी डॉन नहीं होता, मोगैम्बो खुश हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग के बीच आके, कसम से मैं तो इस दुनिया में नहीं हूँ लेकिन मैं हर साल ऐसे ही आते रहूंगा आप लोगों के बीच। इसके बाद अजय देवगन जी आ जाए, पूछे तो अपना ले लुटा ठहरों में कहा था, पूछे तो अपना ने लुटा ठहरों में कहा था, तेरी की चिट्ठी डूबी जहाँ पानी कम था। चला के राख कर दूंगा अगर मुझे सपना नहीं मिली, चला के राख कर दूंगा पूरी दुनिया को। पहली जगह पे पहली बार आया हूँ लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है,
दिल कर रहा है कि मैं यहीं पे अपना घर बना लूं। हमको लगा कि लेकिन भोजपुरी पे आप लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, तो भोजपुरी में रवि किशन जी का आवाज। बाबू तू बहुत अद्भुत बाड़ा, धोतान बड़ा, धोतान बड़ा बाबू, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आप लोगों के बीच